जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यानी फैक्टराइजेशन मेथड के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हमारा लास्ट जो है वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि एम एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस m इंटू x, यानी 1 प्लस m इंटू x जी प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन, यानी सॉल्व बाय फैक्टर्स, यानी फैक्टराइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, देखें ज़रा सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन यानी मैं वही क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एम एक्स स्केयर प्लस इंटू वन प्लस एम इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहला काम ये करना है कि एम एक्स स्केयर को भी आप वैसे लिख लें, एम एक्स स्केयर वैसे प्लस इस एक्स को मल्टीप्लाई कर दें वन के साथ भी, और इस एक्स को मल्टीप्लाई कर दें एम के साथ भी। बहुत ही आसान सवाल है, खुद बहुत ही फैक्टर्स बन जाएंगे। एक्स को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आ जाएगा, प्लस एक्स को एम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एक्स आ जाएगा, प्लस वन ये एज इट इज़ वैसे आ जाएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो। बहुत ही आसान सवाल है। अब इन दोनों रकमों में देखें क्या चीज़ कॉमन है, इनमें एक्स कॉमन है तो क्या बचेगा, ये दो रकमों के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, इसमें भी एक्स है इसमें एक्स है, तो एम एक्स बच जाएगा, एम एक्स प्लस वन, और इनमें देखें कुछ भी कॉमन नहीं है तो वन कॉमन है, तो ये बन जाएगा एम एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। सो हमारे ये दो फैक्टर्स जो हैं, ये जो दोनों जो है वो सेम आंसर है, इनका सेम आ रहे हैं, सो आंसर हमारा ठीक है, सवाल ठीक है। इनको एक दफ़ा लिख लें, एम एक्स प्लस वन इंटू ये एक्स प्लस वन, यानी ये जो एक्स है और इसको आपने वन के साथ जोड़ देना है, यानी एक्स प्लस वन ओके इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आप वन बाई वन इसको अलग कर लें, यानी एम एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो एक रकम ये अलग लिख लें, और साथ ही आप जो है एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो ये रकम लिख लें। सो एम एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस का वन है इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो माइनस का वन हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एम, एज इट इज़ एक्स इज इक्वल टू वन को उठा के इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का वन हो जाएगा। सो हमारा सोल्यूशन सेट जो है, सोल्यूशन सेट माइनस वन ओवर एम कॉमा माइनस वन, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है, प्लीज़ राइट डाउन इट। अच्छा, जो तलबा हमारे जिन्होंने ये चैप्टर पहले से किए हुए हैं तो वो भी परेशान ना हो, इंशाल्लाह हम ऐसा यानी वन बाई वन हम वन चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, तो वो भी साथ साथ देखते रहें, और अगले चैप्टर पे हम जैसे आएंगे तो उनके लिए जो है सहूलत शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच।